अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौली अजीम हाजिर है फिर ने एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे जो जौली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, उनसे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक वेजिटेबल को सेलेक्ट किया है और दोस्तों एक सुपर सब्जी है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कद्दू सब्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों कद्दू सब्जी को इसके अलावा लौकी भी बोला जाता है, कैलाबैश भी बोला जाता है और दोस्तों इंग्लिश के अंदर इसे ग्रीन राउंड गॉर्ड भी बोला जाता है। इसके अलावा बॉटल गॉर्ड भी बोला जाता है, ग्रीन स्क्वाश भी बोला जाता है, यानी कि इसके बहुत सारे नाम हैं। और दोस्तों एक बेल होती है, उसके ऊपर फूल आता है, उसके बाद ये सब्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों कद्दू की बहुत सारी टाइप्स हैं, ये आपको लंबाई में भी मिल जाता है, आपको गोल शेप में भी मिल जाता है। और दोस्तों कई ममालिक के अंदर इसे बॉटल शेप के फार्म के अंदर भी उगाया जाता है। दोस्तों नेटिव तौर पर ये साउथ एशिया के अंदर, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यूरेशियन पट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा उगता है। आजकल ऑलमोस्ट तमाम दुनिया के अंदर ये बहुत पॉपुलर है, इसे बहुत शौक के साथ खाया जाता है। और दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये पसंदीदा सब्ज़ी है। और दोस्तों कद्दू का जो मिजाज है सरतर है। और दोस्तों इससे बहुत सारी जो है ट्रेडिशनल डिशेज बनाई जाती हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों पाकिस्तान में तो हफ्ते में एक दो दफ़ा लाजमी इसे खाया भी जाता है। और दोस्तों इससे मुख्तलिफ किस्म के हलवा जात बनाए जाते हैं। दोस्तों इसे बॉयल करके दही के अंदर मिक्स करके रायता वगैरह बनाया जाता है, इसका सालन बनाया जाता है और दोस्तों इसका सूप बनाया जाता है। और दोस्तों इसका जूस निकाल कर बहुत सारे अमराज के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। चले दोस्तों ये तो थे कद्दू लौकी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यूजेज। अब बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रल फैक्ट्स के हवाले से। दोस्तों कद्दू के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और दोस्तों ऑलमोस्ट तमाम किस्म के इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। और दोस्तों इस वजह से इसे सुपर वेजिटेबल बोला जाता है। चले दोस्तों अब बात कर लेते हैं कद्दू के कुछ हेल्थ पॉइंट के हवाले से भी। और दोस्तों जैसा कि वीडियो के स्टार्ट कैसे मैंने बताया, इसका मजाज सत्तर होता है, इस वजह से ये जिस्म में से गर्मी को दूर करता है। अगर आपके हाथ पाँव जलते हैं, जिगर मसाने के अंदर गर्मी है, तो कद्दू को एक दो दफ़ा इसका सालन बनाकर काली मिर्च चावल आप खा लें। और दोस्तों आपके जिस्म में जितनी भी फालतू गर्मी है पेशाब के रास्ते खारिज हो जाएगी, ये जिस्म को ठंडा करता है। और दोस्तों ज़हनी तनाव दबाव को दूर करके जज्बात के अंदर एक अच्छा असर करता है। और दोस्तों ऐसे अफराद के लिए बेहतरीन है जिन्हें नींद नहीं आती, वो पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। और दोस्तों वो कद्दू को बॉयल करके दही के अंदर मिक्स करके इसका रायता रोटी के साथ खाएं तो उन्हें बहुत अच्छी पुरसकून नींद आएगी। या इसका सालन बनाकर भी वो खा सकते हैं, हल्की मिर्चों वाला। और दोस्तों कद्दू जो है नींद को प्रमोट करता है, दिमागी उलझनों को दूर करके अच्छी नींद लेकर आता है। और दोस्तों शुगर के मरीजों के लिए भी ये बेहतरीन है, ब्लड शुगर के मरीज जो है कद्दू को रोटी के साथ खा सकते हैं, कद्दू खाने से शुगर कंट्रोल रहती है। और दोस्तों बहुत सारी जो मियादी बुखारों को ये दूर करती है, जिसमें से सोजिश को दूर करती है, बहुत सारे कैंसर का इलाज इसके अंदर है। दोस्तों स्पेशली जो मैदे का कैंसर होता है और आंतों का कैंसर है उसे ये दूर करती है। और दोस्तों कद्दू खाने से पखाना खुलकर आता है, ये आंतों की सफाई करती है, पुरानी से पुरानी कब्ज को जड़ से खत्म करती है। और दोस्तों कोते मुदाफिया में इजाफा करके खतरनाक बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाती है। और दोस्तों अगर आप रोजाना जंक फूड खा खा के तंग आ गए फिर आपके मैदे के अंदर तेजाबियत रहती है, तो सिर्फ आप हफ्ते के अंदर 2 से 3 दफ़ा कद्दू का इस्तेमाल करें, ये मैदे में से तेजाबियत को ख़त्म कर देगी। और दोस्तों जितने भी गंदे असरात हैं मैदे के अंदर और आंतों के अंदर, ये फजले के जरिए निकालबाही करेगी। दोस्तों कद्दू पेप्टिक अल्सर के अंदर बहुत अच्छी है, मैदे के जख्म को दूर करती है, आंतों के जख्म को दूर करती है। और दोस्तों कद्दू के अंदर कैलोरीज बहुत कम होती है, तो इसे खाने के बाद पेट भरा भरा रहता है, फाइबर से भरपूर सब्जी है, तो इस वजह से ऐसे फ्राफ के लिए भी बेहतरीन है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। और दोस्तों जिस्म को हाइड्रेटेड रखता है, जेल को चमकदार खूबसूरत बनाता है। और दोस्तों कद्दू का हलवा खाने से दिमाग को ताकत मिलती है, दिमाग की याददाश्त में इजाफा होता है। ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन है जिनके अंदर खून की कमी है, जिन्हें अनीमिया की बीमारी है। कद्दू के अंदर आयरन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे अफराद अपनी खुराक के अंदर कद्दू को शामिल कर लें तो उनके HP में इजाफा हो जाएगा। चले दोस्तों ये तो थे कद्दू यानी लौकी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, न्यूट्रन फैक्ट्स, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। दोस्तों जो कद्दू लौकी सब्जी है ये सख्त मिजाज रखती है, तो इस वजह से ऐसे अफराद से हरगिज इस्तेमाल न करें जो ऑलरेडी बलगम मिजाज के लोग हैं, जिन्हें थोड़ी सी ठंडी चीज़ खाते साथ ही रेशा हो जाता है, बलगम हो जाता है, खांसी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे अफराद जो है कद्दू को गोश्त के अंदर शामिल करके खा सकते हैं, दाल वगैरह के अंदर शामिल करके खा सकते हैं, तो इसकी जो
तसीर है मुतदिल हो जाएगी। दोस्तों अदरवाइज सर्द मिजाज होने की वजह से उनके अमराज में इजाफा हो सकता है। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है जिनके ऑलरेडी मेदे कमजोर हैं, उनके आंतें कमजोर हैं, क्योंकि दोस्तों ये फाइबर से भरपूर है और दोस्तों बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं। तो ऐसे अफराद के अंदर अक्सर देखा गया उन्हें लूज मोशन लग सकते हैं, पेट के अंदर शदीद दर्द हो सकती है, उन्हें डायरिया हो सकता है। और दोस्तों कद्दू की सब्जी खाने के बाद पानी पीने से अवॉइड करें। और दोस्तों कई लोगों को कद्दू की सब्जी से भी एलर्जी भी होती है, तो ऐसे लोग भी कद्दू खाने से अवॉइड करें। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कद्दू लौकी सब्जी के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको न्यूट्रल फैक्ट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है कद्दू लौकी के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों आपने मेरे इस कद्दू लौकी की वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों मुझे किसी भी वेजिटेबल फ्रूट हर्ब स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमती वीडियोस बना के ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मुझे जोरी अजीब को इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।